हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जे बी सी आई बी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। या जे बी का लीगल का क्वेश्चन सेट नंबर 2 है, बोलता है जो फॉर अ सेपरेशन कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैपेबल इज एप्लीकेबल फॉर दर कैपिटल एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बोलता है सेपरेशन कंपनी के लिए यहाँ पे कौन से कंडीशन एप्लीकेबल होगा कैपिटल के संबंध में और कैपिटल एडिक्वेसी के रेशियो के संबंध में। ए ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल ₹2 to 100 करोड़ एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एक्वायर्ड बाय द कंपनी। बी ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15%। बी ऑप्शन मिनिमम कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ एंड कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 15% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एक्वायर्ड बाय द कंपनी। सी ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ एंड कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ रेशियो ऑफ 10% ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी। डी ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल ₹200 करोड़ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 10% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मिनिमम कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ होना चाहिए और कैपिटल एडिक्वेसी जो होगा 15% होगा फाइनेंशियल एसेट्स जो भी एक्वायर्ड करेगा कंपनी। दूसरा सवाल देखिए, टू एंगेज द बेनिफिशियरी टू रिलाई ऑन द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द कंपनी द लेटर ऑफ क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द बेनिफिशियरी। बोलते हैं बेनिफिशियरी को इनेबल करने के लिए यहाँ पर रिलाई करना होगा ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट पे। जो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा रिसीव किया जाएगा बेनिफिशियरी के द्वारा। ये ऑप्शन है कहाँ कैसे रिसीव होगा, थ्रू एडवाइजिंग बैंक। बी ऑप्शन है डायरेक्टली फ्रॉम द इशुइंग बैंक। सी ऑप्शन है फ्रॉम नेगोशिएटिंग बैंक विच इज टू मेक पेमेंट ऑल्सो। डी ऑप्शन है थ्रू कन्फर्मिंग बैंक टू मेक श्योर डेट पेमेंट वुड बी डेफिनेटली रिसीव्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, थ्रू एडवाइजिंग बैंक। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए एल सी द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी नेगोशिएटेड इन द बिगिनिंग ऑफ सेप्टेम्बर विच मीन्स दैट डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रेजेंटेड फॉर नेगोशिएशन ड्यूरिंग। बोलते हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है या एल सी होता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसको हम नेगोशिएट करते हैं सेप्टेम्बर के शुरुआत के महीने में, जिसका मतलब ये होगा कि डॉक्यूमेंट्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं नेगोशिएशन के लिए। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करने के लिए। ड्यूरिंग कब, ए ऑप्शन है फर्स्ट वीक, बी ऑप्शन है फर्स्ट 2 वीक्स, सी ऑप्शन है फर्स्ट टू 10th ऑफ द मंथ, डी ऑप्शन है फर्स्ट टू 15th ऑफ द मंथ। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट टू 10th ऑफ द मंथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ देयर इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ फेमा 1999 बाय ए पर्सन द अमाउंट इज नॉट क्वांटिफाइबल पेनल्टी कैन बी लेवाइड। बोलते हैं कि जो अगर कॉन्ट्रावेंशन हो गया है प्रोविजंस का जो फेमा 1999 का है, या जो भी पर्सन है जो भी अमाउंट क्वांटिफाइबल है, पेनल्टी लेवी की जाएगी। कितना होगा, ए ऑप्शन है अप टू ₹2 लाख, बी ऑप्शन है अप टू द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच कॉन्ट्रावेंशन, सी ऑप्शन है अप टू 2 times of the amount involved in such contravention, डी ऑप्शन है अप टू 2 times the amount involved in such contravention। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अप टू 2 lakh rupees, 2 lakh rupees तक आपको फाइन लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड अंडर सरफासी एक्ट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विथ सेंट्रल रजिस्ट्री विथ ए पीरियड ऑफ। बोलता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया सरफासी एक्ट में, जहाँ जरूरी है क्रिएशन किया जाए सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ, कितने पीरियड के भीतर भीतर, ए ऑप्शन है 15 days, बी ऑप्शन 30 days, सी ऑप्शन 45 days, डी ऑप्शन 60 days। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 30 days के भीतर भीतर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड द ड्रॉअर इज लायबल टू द होल्डर। बोलता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाए तो उसमें पॉइंट्स दिया हुआ है, 4 points से बताने कौन कौन से पॉइंट सही है। ए पॉइंट है द ड्रॉअर इज लायबल टू द होल्डर, बी पॉइंट है ड्रॉअर्स लायबिलिटी इज सेकेंडरी इफ इट इज एक्सेप्टेड, सी पॉइंट है ड्रॉअर्स लायबिलिटी इज प्राइमरी व्हेन इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, डी पॉइंट है ड्रॉई इज लायबल वेदर ही एक्सेप्ट द बिल और नॉट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, विच इज करेक्ट। ए ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड सी ओनली, बी ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड डी ओनली, सी ऑप्शन बी सी एंड डी ओनली, सी डी ऑप्शन ए टू डी ऑल। सही ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन द फॉलोइंग सिक्योरिटीज डज नॉट मैच। इनमें से कौन सा चार्जेज होता है सिक्योरिटी के ऊपर मैच करता है, ए ऑप्शन है बुक डेप्ट असाइनमेंट बोलेंगे, फिर बी ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट को असाइनमेंट बोलेंगे, सी ऑप्शन इमोबल प्रॉपर्टी को मॉर्टेजेस बोलेंगे, डी है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को प्लेज बोलेंगे। सही ऑप्शन है सी डी नेशनल सेविंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को जो प्लेज बोलेंगे, ये ऑप्शन मैच नहीं करता है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन मैच करते हैं, बुक डेप्ट को असाइनमेंट बोलते हैं, बैंक डिपॉजिट्स को भी असाइनमेंट बोलेंगे, इमोबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, 8 का ए पॉइंट है, 8 का ए ऐसे सी ऐसे इसमें 4 पॉइंट बताने कौन कौन से पॉइंट सही है। ए पॉइंट है एन इक्विटी शेयर्स इज शेयर्स
which is not preference share. B point A, a preference share is one which gets regular dividend irrespective of profit position and preference in case of liquidation. C point A, debenture is a document by which a company acknowledges its indebtedness. D point A, trust receipt is an undertaking by the borrower when the goods are released by the bank to the borrower without payment being made by the borrower. A point ho jayega, A to D or correct. B point ho jayega, B option ho jayega, A, B and C are correct. C option ho jayega, A, C and D are correct. D option ho jayega, B, C and D are correct. So option ho jayega C, A, C and D are correct. Question number 9 is, which of the following statement is correct? Means, kaun sa statement sahi hai, wo bata raha hoga. A option, certificate of incorporation is required by a public company only and not by a private company. B option, certificate of commencement of business is conclusive proof of existence of a company. C option, certificate of incorporation is conclusive proof of existence of a company. D option, certificate of commencement of business is required by a private company only. Sahi option hai C, certificate of incorporation is conclusive proof of existence of a company. Question number 10 ho jayega. The mortgage in which mortgagor transfers the possession to the mortgagee is called mortgage. In such mortgage there is no personal liability of the mortgagor. Mortgage mortgage hota hai jahan pe mortgagor transfer karta hai possession मोटगेज को, मोटगी को, उसे मोटगेज बोलते हैं. इस तरह के मोटगेज में जहाँ पे कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होता मोटगर का, वो क्या है? ए ऑप्शन है. इंग्लिश कौन सा, किस तरह का मोटगेज होगा वो? तो ए हो गया इंग्लिश, देर इज. बी ऑप्शन है मोटगेज बाय कंडीशन सेल, देर इज नो. सी ऑप्शन है सिंपल मोटगेज, देर इज नो. डी ऑप्शन है उसी फैक्चुरी मोटगेज, देर इज नो. सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उसी फैक्चुरी मोटगेज, देर इज नो. यहाँ पे प्रॉपर जीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं. वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, कैसे स्टडी है नंबर का वीडियो रहेगा. 13,500 क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्यू फ्यूचर नोट होगा, टेस्ट मॉक टेस्ट होंगे. यहाँ दो तरह के जीआईबी के कोर्सेज हैं. जीआईबी पीपीटी कोर्स है जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल है लीगल करेंगे उसका दाम 600 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका 800 रुपये, जीआईबी का कॉमर्स करेंगे उसका 1500 रुपये. और जीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल कोर्स है. उसमें जीआईबी का प्रिंसिपल्स करें लीगल करेंगे उसका 1200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका 1500 रुपये, जीआईबी का कॉमर्स करेंगे उसका 3000 रुपये. ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं. फोन नंबर हो जाएगा 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946. वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. वेबसाइट पर जाकर www.jibcibstudymetal.com, ईमेल आईडी @jibcibstudymetal.com.